नमस्कार फ्रेंड्स, स्मार्ट जीके ग्लोबल में आप सबों का स्वागत है। चलिए देखते हैं, झारखंड से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रहा है। यह है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से विज्ञापन संख्या 5/2021। यह है झारखंड सीजीएल का। दोस्तों देखिए, झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, इस पर प्रक्रिया शुरू हो गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या इसमें सूचना दिया हुआ है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा 2021 आवश्यक सूचना 09 और दिनांक 24/6/2022 यानी आज का ही है दोस्तों। ठीक है, तो आगे देखते हैं। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15/1/2022 से शुरू हुआ था और 25/3/2022 की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए गए थे, इसी के बारे में दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं, उक्त क्रम में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि जो है एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा अपने आरक्षण कोटि को आरक्षित या अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 यानी अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग 2 अनुसूची 2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्गों में संशोधित किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थियों को विज्ञापन की शर्तों के आलोक में संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क का अंतर राशि का भुगतान करना अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, इसमें परीक्षा शुल्क जो है पेमेंट करना अनिवार्य दिया गया था और संबंधित अभ्यर्थियों की निबंधन संख्या निम्नतः है। तो आगे देखते हैं, रजिस्ट्रेशन संख्या, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। अपना अपना जिनका भी है रजिस्ट्रेशन नंबर मिला लें और परीक्षा शुल्क भुगतान कर दें। ठीक है, और उपयुक्त कंडिका 2 में अंकित अभ्यर्थियों को निर्देश किया जाता है कि वे 27/6/2022 से 28/2022 की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क की अंतर राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त राशि के भुगतान हेतु आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित लिंक क्लिक टू पे द रिमाइनिंग एग्जामिनेशन फी फॉर JGGLCCE 2021 को क्लिक कर आगे बढ़ें। इसके बाद आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशंस स्टेट अबव को क्लिक लगाते हुए प्रोसेस कर आगे बढ़ें। स्टेट्स ऑफ कॉरपोरेट या इंस्ट्रक्शन में झारखंड एवं टाइप ऑफ कॉरपोरेट इंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का चयन कर आगे बढ़ें। तदुपरांत झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चयन कर सबमिट बटन दबाकर आगे बढ़ें। अंत में पेमेंट कैटेगरी में JGGLCCE 2021 का चयन कर अपने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता परीक्षा 2022 के पंजीयन संख्या को दिए गए स्थानों में अंकित करते हुए आगे बढ़ें एवं शेष परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। संशोधन में उपरांत अंतर राशि शुल्क का भुगतान नहीं करने पर दोस्तों आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक मौका दिया गया है, जो जो रजिस्ट्रेशन किए हुए थे उन सबको, तो वैसे सभी आवेदन जो है आयोग द्वारा रद्द कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस पर जो है आप लोग पेमेंट कर दें और परीक्षा के लिए तैयार रहें। तो चलिए, इसी तरह लेटेस्ट अपडेट कुछ भी आएगा तो हम आप लोगों के बीच सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।